हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th एक्सरसाइज 1.1। 1.1 के 4 क्वेश्चंस तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पार्ट्स दिए हुए हैं 3, उन सभी के अंदर क्या बोल रखा है कि आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी इन्होंने यूज़ कर रखी है, उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। और किस में है प्रॉपर्टी? अंडर मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टी यूज़ कर रखी अंडर मल्टीप्लीकेशन, उस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। ये देखते हैं, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5। अब देखो, दोनों साइड हमारे पास लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में हमारे पास क्या है, 1 है मल्टीप्लाई में, और 1 हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी। क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आता, बिल्कुल एज इट इज़ रहता है। अब जैसे 2 है, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 आएगा, चाहे उसको स्टार्टिंग में लिखो चाहे उसको एंड में लिखो, किसी भी साइड लिख के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अब इन दोनों के अंदर देखते हैं हम कि 1 नहीं है, 1 नहीं है, लेकिन डिजिट्स दोनों में जो भी हमें नंबर यूज कर रखे हैं वो दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। इधर -13/17 फर्स्ट है, इधर -2/7 है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि ए क्रॉस बी लिखो या फिर बी क्रॉस ए लिखो, दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखें या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 लिखें, आना क्या है हमारे पास, वही 6। इसीलिए हम जब हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19। अब 19 इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आया, 1 आ गया। जब हमारी दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल होके क्या आ गया, 1। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। हमने पिछले क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में पढ़ाया था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास एक नंबर है और उसी का अगर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसका अपोजिट कर दिया 29/19, और उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आई, 1 के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई 6/13। 6/13 से मल्टीप्लाई करना है बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। किससे, रेसिप्रोकल से किसके, -7/16 के रेसिप्रोकल से 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है उल्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं, उल्टा। कोई भी हमें जैसे -7/16 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16/7। इसको हमने चेंज कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई बोल रखा है ना, तो क्या करेंगे, 6/13 मल्टीप्लाई -16/7। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 16 6 जा -96 आ गया, 13 7 जा 91। ये हमारे पास आया -96/91। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कम्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। पहले हम देखते हैं डिजिट्स को, क्या हमारे पास डिजिट सेम है, 1/3 इधर भी 1/3, 6 6, 4/3 4/3। और जब हम अंडर मल्टीप्लीकेशन या अंडर एडिशन देखते हैं तो हमारे पास तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इक्वल आएगी, ये भी और ये भी दोनों इक्वल आएंगे। अगर हम तीनों को प्लस करते तो भी हमारे पास दोनों साइड इक्वल आती। ठीक है, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसका यूज़ किया है हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल होता है, ए क्रॉस बी
मल्टीप्लाई सी, कि हमें चल चाहे स्टार्टिंग के दो की मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद थर्ड से कर लो, चाहे लास्ट के दो की मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट से करो, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा दोनों की इक्वल आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 4 सॉरी, दूसरी साइड मैंने लिया 2 मल्टीप्लाई 3, इस पर ब्रैकेट लगाया, ये 4, 3 4 जा 12, 12 की अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24, इधर से करो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, दोनों क्या है इक्वल आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 fraction 1/8। क्या 8/9 है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका, -1 fraction 1/8 का, वाई और वाई नॉट, ठीक है तो किस लिए है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये रीजन देना हमें। सिंस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर, हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये ए है हमारे पास, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा 1/a, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आती है, 8/9 मल्टीप्लाई -1 fraction 1/8, 8/9 मल्टीप्लाई 8 1 जा 8, 8 और 1 9, -9/8, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो क्या आया -1, लेकिन जो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी उसमें हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल, तो हम क्या बोल देंगे कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, बट इट्स प्रोडक्ट मस्ट बी +1, इसकी तो क्या आई -1, लेकिन हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि इनकी प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगी +1, सो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 fraction 1/8, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 8/9 है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है किसका, -1 fraction 1/8 का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 fraction 1/3। क्या 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3 fraction 1/3 का, वाई और वाई नोट, जैसे हमने 8th किया है वैसे ही हमारे पास 9th है, क्या लिखेंगे, सिंस मल्टीप्लीकेशन इनवर्स हमारे पास क्या आता है a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1, मीन्स वो नंबर और उसी का रेसिप्रोकल की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ जाए 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 0.3, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 fraction 1/3 के, अगर ये 1 के इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं करते हैं। पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया 3/10 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3, 3 से 3 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, क्या आया 1, यस 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 fraction 1/3, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि +1 आएगा हमारे पास, दोनों की मल्टीप्लाई अगर +1 आ जाती है तो क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट फर्स्ट देखा द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। जीरो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, जीरो का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या आएगा 1/0, और 1/0 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास इनफिनिटिव के इक्वल आ जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे कि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल इक्वल आ जाए, ठीक है। अब अगर हमारे पास 1 है, 1 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/1 हो जाएगा, आ गया ना वही 1, अगर हम -1 का करते हैं तो भी क्या आता है -1/1, अगर हम इसको उल्टा लिखें, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आने आएगा क्या -1, तो हमारे पास 1 और -1 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल इक्वल है।
द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू, जो इक्वल है टू इट्स नेगेटिव, अपने नेगेटिव के। जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है कि चाहे उसके आगे प्लस लगाओ चाहे उसके आगे माइनस लगाओ, वो क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, प्लस या माइनस दोनों में, अब चाहे जीरो प्लस की हो चाहे जीरो माइनस की हो, रहेगा क्या, जीरो। तो हमारे पास जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है तो क्या है वो, जीरो। जीरो हैज, जीरो का क्या है, नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओवन रेसिप्रोकल, ऐसे नंबर जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही है, कौन कौन है वो, वन और माइनस वन, ये भी हमने अभी पढ़ाया था, वन एंड माइनस वन। द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव, माइनस फाइव का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसको अगर उल्टा कर देंगे माइनस वन बाई फाइव। रेसिप्रोकल ऑफ वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा, एक्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं, टू थ्री फोर सभी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और 4/5/6 ऐसे लिख देंगे हम, तो ये हमारे पास दोनों रैशनल नंबर हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10, 3 6 जा 18, ये भी क्या है एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ए पॉजिटिव, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, 2/3 है हमारे पास, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा ना, ये भी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, तो रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।